नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो चर्चा का विषय है बहुत अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा हुई और घोषणाओं के बीच कुछ घोषणाएं ऐसी हुई हैं जिन पर सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। बड़ी सरगर्मियाँ शुरू से हो चुकी है, क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव की। कवायद चलती रही, तमाम नाम सामने आए, चाचा भतीजा के बीच की रार को ख़त्म करने की बात भी कही गई, संयुक्त परिवार होने की बात भी कही गई, विपक्ष का आरोप रहा तो सत्ता पक्ष का प्रत्यारोप रहा, और कड़ी से कड़ी निकलती आई और तमाम नामों को दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। ऐलान एक अलग तरीके से, ऐलान ऐसा कि जिसके तमाम तरह के समीकरण हैं। समीकरण मुलायम सिंह यादव की बहू दिवंगत मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के पुरोधा और देश के पूर्व रक्षा मंत्री की बहू अब मैनपुरी चुनाव में अपना दमखम दिखाती नजर आएंगी। कन्नौज से पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी हैं। उनका नाम केवल नाम नहीं है, उनके नाम के कई मायने हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो सपा परिवार में अखिलेश यादव की पत्नी के रूप में, मुलायम सिंह यादव की बहू के रूप में, कन्नौज की पूर्व सांसद के रूप में, एक महिला के रूप में, और अहम ये बात कि यादव बरादरी जो बिरादरी है उसमें प्रतिनिधित्व करने वाली एक महिला के रूप में, ये पांच समीकरण ऐसे बताते हैं जो डिंपल यादव को खास बताते हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर डिंपल यादव के उतरने के बाद स्थिति क्या होने वाली है, ये फिलहाल अभी भविष्य के घर में निहित है। इसके अलावा एक चर्चा का विषय और है कि सुभाषपा ने भी वहाँ पर रमाकांत कश्यप को उतार के ये स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन का प्रेम पहले था और अब वो भी समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती बनने वाली है। इसी कल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा कदम उठाते हुए रमाकांत कश्यप को प्रत्याशी बना दिया है, और खतौली से रमेश प्रजापति को। हालांकि खतौली की अगर हम बात करें तो वो रालोट से उम्मीदवार वहाँ उतारा जाएगा, जैसे कि जानकारी मिल रही है सपा के सूत्रों के द्वारा, ऐलान भी किया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की प्रत्याशी का नाम आना अब भी बाकी है। किसको यहाँ पर उतारते हैं, किसको यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, और उस दुर्ग में किस तरह सेंध लगाते हैं जो अब तक अभेद रहा है। भाई जाहिर सी बात है, मैनपुरी अब तक भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई है, रामपुर भी नहीं जीत पाई है। तो यहाँ पर अगर हम बात मैनपुरी की कर रहे हैं तो डिंपल यादव को यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है, महत्वपूर्ण। हालांकि बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव के नाम की सूत्र भी चल रहे थे, चर्चाएं चल रही थी, सूत्र तो नहीं बोले चर्चाएं चल रही थी, पर इतनी महत्वपूर्ण सीट, और जैसे हम देख रहे हैं कि बीजेपी कोई भी उपचुनाव होता है या चुनाव होता है किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। जैसा कि हमने देखा गोला गोकर्णनाथ में भी 40 से ज़्यादा प्रचारक सामने आए थे, और ये बात स्पष्ट करती है कि बीजेपी अगर चुनावी मोड में रहती है, अगर बीजेपी बार बार सत्ता में आती है, बीजेपी अगर मिथक तोड़ती है तो बीजेपी के पीछे उसकी मेहनत है, संगठन की मेहनत, कार्यकर्ताओं की मेहनत, और सबसे बड़ी बात धरातलीय संघर्ष की मेहनत। उत्तर प्रदेश से तमाम तरह के मुद्दे समय समय पर आते रहते हैं, पर एक जो मुद्दे उत्तर प्रदेश की एक जो खासियत रही है वो खासियत पुरानी रही है, पर शायद अब वो खासियत उत्तर प्रदेश की राजनीति में नज़र नहीं आती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धरातलीय संघर्ष की। अब संघर्ष ट्विटर पर नज़र आने लगा है, संघर्ष सोशल मीडिया पर नज़र आने लगा है, पर संघर्ष जो धरातल पर होता था जब बीजेपी विपक्ष में होती थी तो रैलियां भी होती थी, संघर्ष भी होता था, लाठीचार्ज भी होती थी, और अपनी बातों को कहने के लिए जनता के बीच में लगातार आने की होर सी मची रहती थी। पर अब शायद वो राजनीति बीते दिनों की बात है, इतिहास हो चुकी है, धरातली संघर्ष इतिहास हो चुका है, और तब भी हम उम्मीद करते हैं कि जनता जनार्दन हम पर विश्वास दिखाए। विश्वास दिखाए वो भी कैसे, उसका आधार कौन होगा? जनता के मुद्दे अलग हैं, जनता की ज़रूरत अलग है। जनता अगर स्वास्थ्य सेवाओं से परेशान है तो उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? अगर जनता लड़ाई लड़ने के लिए खुद आने आएगी तो विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठना लाजमी है। अगर 17 में अगर हम समाजवादी पार्टी का एक प्रदर्शन देखें तो 47 सीट लेकर आए थे, इस बार 111 सीट, मजबूत विपक्ष की भूमिका, पर शायद इस बार उतनी सक्रियता भी नज़र नहीं आ रही
जो कि 17 चुनाव के बाद नजर आई थी। कारण क्या है? कारण क्या परिवार में मतभेद, कारण क्या परिवार में मनमुटाव, कारण क्या आरोपों से दूर भागना, कारण क्या कार्यकर्ताओं में संवाद ना होना, या कारण क्या कि एकत्र नहीं कर पाना लोगों को, जोड़ नहीं पाना। उसी कवायद को लगातार करने का प्रयास पार्टियां करती हैं, पर धरातली संघर्ष अब भी नजर नहीं आ रहा। कुछ संघर्ष जरूर आम आदमी पार्टी समय समय पर करती रहती है, पर शायद आम आदमी पार्टी को अभी उत्तर प्रदेश में वो स्थान नहीं मिला है जिसकी वो हकदार है। प्रयास करती है, हालांकि अगर पिछले निकाय चुनाव पर हम नज़र डालें तो कुछ वहाँ पर परिणाम अच्छे रहे थे, पर यहाँ पर जिस तरह से 2022 में जनता ने आम आदमी पार्टी की मुफ्त की घोषणा को सिरे से नकार दिया, तो एक बात तो स्पष्ट है कि अभी उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है। केवल बातों से और केवल नारों से और धराते संघर्ष से काम नहीं करने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जिसको मानती है, हृदय से मानती है, और निश्चित रूप से यहाँ पर राजनीति हृदय से होती है, शायद अभी आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता के हृदय में जगह बनाना अभी भी बाकी है, तभी परिणाम कुछ बेहतर आएंगे। तो यहाँ पर जो अगर चुनाव की हम बात करें तो एक बार और नज़र डालें तो भाजपा, सपा और सुभाजपा, बसपा तो उपचुनाव में वैसी दिलचस्पी नहीं दिखाती है, और कांग्रेस ने भी कल प्रदेश अध्यक्ष उनके बिजलाल खाबरी ने भी एक घोषणा करते हुए कहा कि वो निकाय चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और फिलहाल वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तीनों उपचुनाव की उन्होंने बात कही। तो यहाँ पर जो निर्णायक लड़ाई है वो हमेशा की तरह जो हम देखते आए हैं, चाहे गोला गोकर्णनाथ में देखें और चाहे अब मैनपुरी के उपचुनाव में या रामपुर या खतौली में, और ये जो पटकथा है ये रामपुर में भी हमने देखा था लोकसभा उपचुनाव में और आजमगढ़ में भी देखा था। निर्णायक लड़ाई केवल और केवल सपा और भाजपा, एक सत्ता पक्ष दूसरा विपक्ष, सत्ता पक्ष के अपना काम, विपक्ष का अपना काम, सत्ता पक्ष अपना काम करता नजर आ रहा है और विपक्ष से थोड़ी उम्मीदें जनता को हैं कि शायद अब विपक्ष जागेगा और जनता की बात को उठाएगा। ये तरफ जहां प्रदेश में डेंगू को लेकर लगातार लड़ाई चल रही है, डेंगू लगातार फैल रहा है, प्रयास हो रहे हैं, पर जिस तरह से डेंगू फैल रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी है कि शायद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में हम कुछ और बेहतर कर सकते हैं, अभी भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं कर पाए हैं। हम विकास की बात करते हैं या बेहतर परिणाम की बात करते हैं या बेहतर व्यवस्थाओं की बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं अभी स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत कुछ सुधार बाकी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक समय समय पर अलग अलग अस्पताल में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि स्थिति सुधारनी पड़ेगी, तो सुधार यहाँ ज़रूरी है, पर जनता की लड़ाई और जनता को इन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से बेहतर कौन कराएगा, जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा, मुद्दे कौन उठाएगा, ये अभी भी सबके सामने एक यक्ष प्रश्न है। महत्वपूर्ण यहाँ पर इसलिए भी है क्योंकि अगर इन चुनावों को हम बेहतर तरीके से नहीं देखते हैं तो भी हमारे लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि कोई चुनाव भी छोटा नहीं होता। गोला गोकर्णनाथ को अगर संजीवी से लिया जाता तो वहाँ के समीकरण ऐसे थे कि शायद समाजवादी पार्टी वहाँ पर कोई करिश्मा करके जीत सकती थी, पर वहाँ पर भी पुरानी पटकथा ही चलती रही और बीजेपी ने वहाँ पर भी अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी को उतार कर स्पष्ट कर दिया था कि इस चुनाव को भी बेहतर लड़ेगी, और अमन गिरी ने भी उस चुनाव पर अपनी बेहतर छाप छोड़ते अपने पिता से ज़्यादा वोट लेते हुए समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को हरा दिया। रामपुर लोकसभा का उपचुनाव और आजमगढ़ उपचुनाव जहाँ पर जिसको भी अगर हम देखें तो बड़ा शायद साधारण लिया गया और वहाँ पर भी जो गढ़ रहे एक प्रकार से सपा के, उन दोनों गढ़ों में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दी और परचम लहरा दिया, और जहाँ वो आजमगढ़ जहाँ पर विधायकी की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने भाजपा का क्लीन स्वीप कर दिया था, उसी आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी सांसदी का चुनाव हार गई भाजपा से, यानी 10 विधायक उस जिले में है और वहाँ से सांसदी पार्टी का प्रत्याशी हार जाता है। कारण शायद इसको अब सपा ही समझेगी, और जीत का कारण तो खैर बीजेपी जानती है कि किस तरह से जीती है और किस तरह से मेहनत की है, संगठन को बेहतर किया है और लगातार चुनावी मोड में रहने की जो प्रक्रिया है, इसके अलावा हर चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ने और पूरे दमखम के साथ चुनाव उतरने की जो उनकी एक रणनीति है वो हमेशा काम आती है, और तभी इसके परिणाम बेहतर आते हैं कि रामपुर और
आजमगढ़ जैसे अवैध दुर्गों को भी बीजेपी ने भेद दिया और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की परचम लहरा दिया। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम देख रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ कि अगर हम बेहतर करेंगे तो किस तरह करेंगे, आगे बढ़ना है तो किस तरह बढ़ना है, और इस डिंपल यादव के इस सीट पर उतरने के बाद समीकरण क्या रहने वाले हैं, ये भी अहम प्रश्न है। और इस अहम प्रश्न के बीच में बीजेपी से कौन चुनाव लड़ेगा, ये भी अहम प्रश्न है। रालोट की भूमिका क्या रहेगी, ये भी अहम प्रश्न है। और डिंपल यादव किस आधार के साथ वहाँ पहुँचेंगी, ये अहम प्रश्न है। और सबसे अहम प्रश्न ये है कि डिंपल यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, उनको सहानुभूति का एक जनाधार कितना मिलता है, वो भी देखने वाली बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं सहानुभूति का जनाधार मिलता है। गोला गोकर्णनाथ में जिस तरह से अरविंद गिरी के पुत्र को सहानुभूति का जनाधार मिला है, वो स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में सहानुभूति का भी उतना ही योगदान है जितना मुद्दों का या जितना आपके वादों का है। आधार भी है, समाधान भी है, विचार भी है, और साथ ही साथ अहम बात यहाँ पर यह है कि अगर कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो एक स्पष्ट संदेश जहाँ जाएगा कि 24 का चुनाव भी समाजवादी पार्टी यहाँ पर बेहतर तरीके से लड़ेगी। हालांकि मैनपुरी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए अपनी सीट को बचा पाना बहुत ज़रूरी है। अगर इस सीट को हारते हैं तो इसका खामियाजा मेरे ख्याल से तमाम चीज़ों को असर करेगा। शायद इसका खामियाजा रामपुर में भी दिखेगा, शायद इसका खामियाजा खतौली में भी दिखेगा, और शायद इसका खामियाजा आपको आने वाले समय में निकाय चुनाव में भी दिखेगा। खामियाजा क्या रहेगा, ये तो सपा समझेगी और समझेगी उसकी सहयोगी पार्टियाँ, और जिसको लाभ मिलेगा वो ये भी समझेगा कि बेहतर क्या हो रहा है। खैर, महत्वपूर्ण चर्चा है, और कुछ ही समय में हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं। कुछ समय में मेहमानों से आपको रूबरू कराऊंगा, क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा विषय यहाँ पर ये है। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो इस समय जो चर्चा है वो महत्वपूर्ण फिलहाल इसी पर चल रही है कि डिंपल ने मैनपुरी से ताल ठोक दी है, और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सभी को मैं रूबरू करा दूँ। हमारे साथ सफर हुसैन भाई बीजेपी अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता आपके रूप में सैयद मोहम्मद तकी भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा के रूप में भुवन भास्कर जोशी भाई अपना पक्ष रखेंगे, वेद प्रकाश मिश्रा भाई अरालोड से अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सुभाषपा से दयाराम भार्गव भाई अपना पक्ष रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आमिर साबरी भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा सपार भाई से। सपार भाई, सपा ने तो यहाँ पर बड़ी घोषणा कर दी, वे डिंपल यादव को उतार दिया है, और मैंने आपको 5 समीकरण भी गिनाए कि जो उनके पक्ष में जाते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि सुभाषपा ने भी रमाकांत कश्यप को उतार दिया है। टिकोणी हो गई लड़ाई भाई, और तो पार्टी उतर ही नहीं रही हो, बाकी पार्टियों का स्थिति आपको पता ही है, कांग्रेस भी नहीं उतर रही, बसपा भी नहीं उतर रही है, पर सुभाषपा उतर के कहीं ना कहीं समीकरण को थोड़ा सा दिक्कत जरूर देंगे। खैर, सुभाषपा का अपना एक सोचना है, उनने प्रत्याशी उतारा है और लोकतंत्र में सब उतार सकते हैं, पर डिंपल यादव को उतार के क्या संदेश दिया है समाजवादी पार्टी ने, और क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है मैनपुरी उपचुनाव में? गौरव जी जी, समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी अपना उतारा है उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये यादववादी पार्टी है। अच्छा, यादववादी पार्टी जी जी, तो इसीलिए उन्होंने डिंपल यादव को उतारा, क्योंकि वो और किसी को उतार ही नहीं सकते। भतीजा रहता है, चाचा रहते हैं, भाई रहते हैं, नीचे से ऊपर। चाचा कहाँ, चाचा चले गए? चाचा और भी चाचा है। अच्छा, और भी चाचा है। वो सारे लोग अपना उसी में रहते हैं, ये यादववादी पार्टी है। अच्छा, और दिखावे के लिए सिर्फ एक पार्टी का रूप उन्होंने दे रखा है और डिंपल को उतारा है। अच्छा, उसके अलावा वो किसी को वहां से उतार भी नहीं सकते। अच्छा अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये उपचुनाव है जी, और उपचुनाव में अभी आपने देखा जो हमारा गोला में जो चुनाव हुआ जी, वहां पर जो है अमन गिरिजी ने जो चुनाव जीता है जी, उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी से जीते जी, और बेटे ने उस परंपरा को कायम रखा और एक बहुत ही अच्छे वोटों से जीत कर ये बताया कि उत्तराधिकारी अरविंद गिरिजी के जी हो सकते हैं, और बहुत अच्छा चुनाव लड़े जी। उसके बाद आपने देखा रामपुर का उपचुनाव जी, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है जी, और वहां पर एक नेता मुस्लिम समाज के हुआ करते हैं जिनका वर्चस्व रहता है जी। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने
जी जीत कर ये साबित कर दिया अच्छा कि समाजवादी पार्टी का जनाधार खत्म हो चुका है। अच्छा, और मैनपुरी के चुनाव में भी आप जब चुनाव शुरू होगा, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैदान में आएगा तो जब चुनाव होगा तो आप देखेंगे कि किस तरह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जनता के मुद्दों के साथ रहती है और उसी आधार पर वो काम करती है। अच्छा, तो मैनपुरी का जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा करके ये साबित करेंगे कि समाजवादी पार्टी का जनाधार खत्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद कर रही है, इसलिए 24 का चुनाव हम उससे ज्यादा सीटों से जीत करेंगे। अच्छा, उपचुनाव आप जीतने वाले हैं मैनपुरी का? जी, मैनपुरी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अच्छा का जो प्रत्याशी है कार्यकर्ता और वहाँ की जनता जिता करके भेजेगी। अच्छा, इसलिए कि परिवारवाद को खत्म करना है। अब तो भेज नहीं पाए वहाँ का, क्योंकि कांग्रेस भी परिवारवाद करती है, उसी के बाद ये समाजवादी पार्टी भी, यादववादी पार्टी। अच्छा, मैं समाजवादी नहीं कहूंगा। अच्छा, यादववादी पार्टी है, यादववादी पार्टी है, क्योंकि शुरू से लेके अब तक आपको बता दूं, जब ये 2012 में अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे जी, तो जो थाने जितने हुआ करते थे अच्छा वहाँ पर जो कोतवाल होता था वो यादव बिरादरी का होता था। जैसे अच्छा, 5 थाने हैं, 5 थानों में 4 थाने तो यादव के, यादव अच्छा, जो है उसके कोतवाल हुआ करते थे। अच्छा, और वो सारे कोतवालों को जो एसपी होता था वो उनको सलूट मारता था। अच्छा, कि भाई साहब जरा देखे रहिएगा, मेरी कुर्सी यहाँ से जाने ना पाए, मैं जरा बना रहा हूँ। अच्छा, तो वो कोतवाल को एसपी जो है वहाँ का चाय बुला करके चाय पिलाता था, ये हालत होती। अच्छा, मुस्लिम वर्ग को नहीं मिलता था? देखिए, मुस्लिम वर्ग को तो ये छलने का काम कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो बसपा हो, इन्होंने उनके वोट बैंक को छलने का काम किया। अच्छा, वोट बैंक के नाम पर उनको इस्तेमाल किया। आप देखिएगा किस तरह भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान जुड़ रहा है। अभी आपने गोला का चुनाव देखा किस तरह मुसलमानों ने, मैं खुद वहां पर गया था, 2 दिन में रहा, पूरी तरह से मुसलमानों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। ठीक है भुवन भाई, भाई आप बोल रहे हैं यादववादी पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं है, बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी थी नहीं कभी, और इसके अलावा बोल रहे हैं कि आप परिवारवाद की राजनीति करते हैं, आपको कहीं कोई नहीं मिलता, आप डिंपल यादव को वहाँ टिकट दे दिए और कोई आप लोगों को मिलता नहीं है, परिवार से ही आप टिकट बांट देते हैं, भाई क्या दिक्कत है, क्यों इनको समस्या है? भाई अगर आप बहू लड़ रही हैं मुलायम सिंह यादव की तो क्या समस्या है इनको? देखिए श्रीवास्तव जी, मैं बोलना चाहता हूँ मैनपुरी के उपचुनाव के संदर्भ में, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो मैनपुरी की जनता है जी, वो तैयार बैठी है माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने के रूप में। अच्छा, और आप जब इसका परिणाम आएगा आप देखेंगे अच्छा कि वहाँ की जनता के लिए जो उनकी जन्म नेताजी की जन्मभूमि भी थी और कर्मभूमि भी थी जी, और जनता कितना उनसे स्नेह करती थी और कितना उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार बैठी है। अच्छा, आपको जब वो परिणाम आएगा तो ये दिखाई देगा। अच्छा, और रही बात मानवीय संवेदनाओं की, तो मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हूँ या इनके नेता हूँ या अच्छा, इनके मुख्यमंत्री, उनसे आशा भी नहीं कर पाता, क्योंकि हमने कभी भी नहीं कहा कि अमन गिरी किसके पुत्र है। निश्चित तौर पे अभी आपके चैनल के माध्यम से पता चला कि वो अरविंद गिरी के पुत्र है और ये शायद परिवारवाद नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अच्छा, निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे जो शीर्ष नेतृत्व ने फैसला दिया, आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देने का काम किया, एक उच्च शिक्षित महिला जो लगातार सदन में आवाज उठा चुकी है पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की, और लगातार सक्रिय रहती है समाज सेवा में और राजनीतिक क्षेत्र में, जो लगातार एक्टिव रहती है, और निश्चित तौर पे उनको वहां की क्षेत्र की जनता का लगाव और उनका जो लगातार संपर्क है लोगों से, ये भावना देख के तय किया गया कि डिंपल यादव जी लड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि आज प्रदेश की जनता और देश की जनता और खास तौर पे मातृ शक्तियों के बीच में बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि मातृ शक्तियों जो हमारी आधी आबादी के प्रतिनिधित्व करती है, आदरणीय डिंपल यादव जी उन्हीं के प्रतिनिधित्व करती है। अच्छा, निश्चित तौर पे ये हमारी पार्टी के लोगों ने सवाल, विधानसभा में कितने टिकट आधी आबादी को दिए थे भाई? विधानसभा में आधी आबादी को आपने मौका दिया था? आप देखिए ना कितनी हमारी विधायिका है, नई विधायक मछली शहर से आपने देखी होंगी हमारी विधायिका डॉक्टर रागनी जी। अच्छा, बहुत सारी विधायिका आई है चुन के, निश्चित तौर पे आपको इस बात का आकलन भी, आप वरिष्ठ पत्रकार है जी। और मैं इतना निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, जब परिणाम आएगा एक एक वोट नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए, वहां की जनता मैनपुरी की जनता ललायत है। अच्छा ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता सुभाष पर बैठे हुए दयाराम भाई, आपने तो भाई बीच में ही सबसे पहले तो प्रत्याशी आप ही ने घोषित कर दिया, ना बीजेपी कर पाई, सपा तो आज की है, और आपने रमाकांत कश्यप को वहाँ पर प्रत्याशी उतार दिया है, अपने पुराने सहयोगी के गढ़ में अपना प्रत्याशी उतार दिया, भाई क्या
समी क्या संदेश वहां देना चाहते हैं और कैसा चुनाव देखते हैं? सपा ने डिंपल यादव को यहाँ उतारा है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं अपने समाजवादी भाई को कहना चाहूंगा जी, समाजवादी पार्टी जो है मुद्दा विहीन पार्टी, थोड़ा बीजेपी को क्या कहा करी, सपा को क्यों आ जाते सीधे भाई, थोड़ा बीजेपी को ही बोल लीजिए। मैं भाजपा को भी कह रहा हूँ, मेरा आरोप समाजवादी पार्टी को इसलिए है जी कि जब ये सरकार में थे तब उन समाज के लोगों को इन्होंने कुछ देने का काम नहीं किया। अच्छा, हाँ उस समय इनको ये नहीं दिखाई देता था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आज इनको सर्व समाज दिखाई दे रहा है। सर्व समाज जो दिखाई दे रहा है उसमें कश्यप कहाँ है भैया, उसमें बंजारा कहाँ है भैया, उसमें अर्कवंशी कहाँ है, अरक कहाँ है भैया, प्रजापति कहाँ है, सैनी कहाँ, कुशवाहा कहाँ, शाक्य कहाँ भैया? मतलब इन तमाम जो सामाजिक ताना बाना से बना हुआ सभी जातियों के लोगों ने आपको हमेशा वोट दिया, तो इसको आपने केवल वोट बैंक बना के रख दिया। अच्छा, तो अब इस वोट बैंक की धुरी को जी हटाने के लिए, उस समाज के हिस्सेदारी को काउंटिंग कराने के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने जो है आदरणीय रमाकांत कश्यप जी को जो है वहां से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का उपचुनाव का प्रत्याशी उतारा है। अच्छा, 1,65,000 वोट है इनका कश्यप समाज का। क्या बात है। इसी तरह वहां पे बंजारा है जी, बहेलिया है जी, अरक है जी, अर्कवंशी है, बिहार है, खगार है। अच्छा, तमाम ऐसी छोटी छोटी जातियां हैं जिनकी विधानसभाओं में, पूरे लोकसभा में अच्छी खासी निर्णायक की भूमिका ये लोग निभाते हैं। अच्छा, लेकिन आज तक चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी हो, चाहे बसपा रही हो, कभी इन जातियों के नेताओं को संसद में और विधानसभा में भेजने का काम नहीं किया। अच्छा, तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का मानना है जिसकी जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसीलिए वहां पर जो है हमने रमाकांत कश्यप जी को मैदान में उतारा है जी। तो क्या करने जा रहा है, जीतने जा रहा है वहां पर जा रहा है कि सभी का बिगाड़ने जा रहे हैं? देखिए, हम ऐसा हमको ये बताइए, ऐसा कौन व्यक्ति है जो हारने के लिए चुनाव लड़ता है? अरे हमको बता दीजिए आप। नहीं अरे भाई, कई लोग तो बागोबर दे रहे थे ना भाई, बागोबर देने, तो अगर आप चुनाव नहीं लड़ रहे तो बागोबर देने ही देना है। देखिए, तो आप, हमने आपको कहा ना जी, जिस जो समाजवादी पार्टी ने हमको तलाक दिया हमने स्वीकार किया। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने हमारी पार्टी के हमारे संगठन को ताकत को नहीं समझा। अच्छा, समाजवादी पार्टी के वो कानाफूसी करने वाले जो ट्विटर पे रहते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के वो नेता जो नवरत्न है। अच्छा, जिन्होंने आदरणीय अखिलेश यादव को गुमराह करके इस तरह कृत्या करने का काम किया। अच्छा, ये उनको वहाँ की जनता जो है ये सबक जो देने का काम करेगी। अच्छा, ठीक है धर्म भाई, ठीक है। सैयद मोहम्मद तकी भाई, चुनाव तो वहाँ नहीं लड़ रहे हैं, पर चूंकि निकाय चुनाव आने वाला है और हर चुनाव का प्रभाव पड़ता है, निकाय चुनाव भी पड़ेगा, कैसे देखते भाई डिंपल यादव को उतारा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जब डेथ हुई थी जी, तो वहाँ पे सभी बीजेपी के लोग पहुँच गए थे। आपने देखा, बीजेपी ने अपने सारे मंत्रियों की, सारे वरिष्ठ नेता सबकी परेड लगा दी थी। परेड क्या भाई, मिलने जा रहे हैं, अच्छी लगाई, जरूरी है, चलिए मिलना चाहिए, अच्छी बात है। हाँ, और सब वो बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, अगर बीजेपी को इतना सम्मान है जी मुलायम सिंह यादव जी का। हाँ, तो कोई प्रतिनिधि ना उतारे अपना। अच्छा अच्छा, बकवर दे रहे, लड़ने दे डिंपल यादव जी को अकेला। अच्छा, तो फिर सम्मान कहाँ चला गया? अच्छा, तो बीजेपी जो सम्मान दिखाती है, अच्छा, और वो तैयारी में कि वहां पे चुनाव जो है वो हम उसको हरा देंगे और जीत जाएंगे, एक सीट नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो ये बीजेपी जो है जो है वो बात कहा करे। अच्छा, बेवजह की नौटंकी ना क्या करे। दूसरी अच्छा, बात ये कि बीजेपी कह रही थी वो परिवारवाद है, परिवारवाद है। अच्छा, क्या बीजेपी से ज्यादा बड़ा परिवारवाद किसी के यहाँ नहीं? अच्छा, सबसे ज्यादा परिवारवादी कोई पार्टी का इस वक्त भारत में है। अच्छा, तो बीजेपी है। ठीक, बीजेपी में आप बताए, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, लालजी टंडन के बेटे गोपाल टंडन, अमित शाह के बेटे जय शाह, पीके धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर, कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी, यशवंत सिन्हा के बेटे जसवंत सिन्हा, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत राजे, रमन सिंह के बेटे विजय सिंह, अभिषेक सिंह छत्तीसगढ़ से, साहेब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा, लाल गोयल के बेटे विजय गोयल, प्रमोद महाजन के बेटे पूनम महाजन, गोपीनाथ मुंडे के बेटे पंकज मुंडे, वेद प्रकाश गोपाल के पीयूष गोयल, लकीराम अग्रवाल के अमर अग्रवाल, और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान। चिराग पासवान से बात नहीं बनी, उन्हीं के भाई, रामविलास पासवान के भाई
पशुपति पासवान। अच्छा, ये लिस्ट बहुत छोटी मैंने बताई क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके, बहुत लंबी है। तो बीजेपी जो परिवारवाद की बात करती है, सबसे ज्यादा परिवारवाद तो बीजेपी के अंदर व्याप्त है। अच्छा, आप बताइए जय शाह के अंदर क्या ऐसी क्वालिफिकेशन थी कि जिनको क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, अब वो आईसीसी में बात करने जा रहे हैं किस क्वालिफिकेशन के आधार पे? वो कक्षा 6 में भी क्रिकेट नहीं खेले, अध्यक्ष नहीं बने, सचिव बने हैं, सचिव बने हैं, लेकिन उस पूरी जिम्मेदारी उनके हाथ में है ना वहाँ पे बीसीसीआई की। अच्छा, और आईसीसी में जा रहे प्रेजेंट करने के लिए, तो किस शिक्षा के आधार पे, किस क्वालिफिकेशन के आधार पे उनको बनाया जा रहा है? अच्छा, तो आज की डेट में जहां जहां भी जो भी मेन पद हैं जो बहुत जरूरतमंद है, वो बीजेपी के ही लोगों को बांटे जा रहे हैं, ना बेटे को बांटे जा रहे हैं या चचा भतीजी को बांटे जा रहे हैं, इससे ज्यादा परिवारवाद कहीं नहीं। अच्छा, सपा में बिल्कुल नहीं है? सपा में है, लेकिन इतना इतना बीजेपी में। अच्छा, बीजेपी वही काम सबसे ज्यादा करती है। अच्छा, क्या बात है, सपा में थोड़ा सा है भाई, चलो ठीक है, सपा में है इतना नहीं है, सपा में थोड़ा सा है परिवारवाद, ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा परिवारवाद जो है वो वही तो एक नैरेटिव बीजेपी की इंप्रेशन बनाती है, अगर आप गहराई में जाइए उसके अंदर देखिए, तहकीकात करिए, तो आपको पता करे भाई ये तो सबसे ज्यादा नहीं किया है। अच्छा, ये बताइए, शोर मचा रहे भाई, तकी भाई बताइए, अगर किसी परिवार का राजनीतिक पृष्ठभूमि है तो उसका बच्चा तो राजनीति में जाएगा, अगर विरासत मिली है तो विरासत को चलाना भी काम है। अगर समाजवादी पार्टी के पुरोधा मुलायम सिंह यादव रहे तो अगर अखिलेश यादव को विरासत में राजनीति मिली है तो उसको नहीं चलाना चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ ये देखिए, तो अगर राजनाथ सिंह के पुत्र अगर है विधायक है तो क्या दिक्कत है भाई? डॉक्टर का बेटा चाहता है उसका बेटा डॉक्टर हो, वकील का बेटा चाहता है उसका बेटा वकील साधन लग जाए, इंजीनियर का बेटा चाहता है उसका बेटा भी इंजीनियर हो जी। तो जब कोई पॉलिटिशियन है उसका बेटा पॉलिटिक्स में आता है जी, तो बीजेपी से तो आज तक वो मचाती है। अभी परिवारवाद की बात तो बीजेपी ने की थी ना, परिवारवाद है परिवार के यादववादी पार्टी उससे बाहर कोई निकल नहीं पा रहा है। अच्छा, तो ये बातें जो बीजेपी कह रही है, पहले आईने में अपने आप को देख ले, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरे घरों पत्थर नहीं पका करते। बहुत पुरानी कहावत, ठीक है, बहुत पुरानी बात है। ठीक है भाई, हमारे साथ वेद प्रकाश मिश्रा जी जुड़े हुए। वेद प्रकाश जी भाई, आपको खतौली मिलेगी ये तो ऐलान हो चुका है भाई, पत्र भी आपने लिखा है, वायरल भी आप ही ने किया है, और जाहिर है मेहनत की है तो उसका लाभ तो मिलना चाहिए जी। पर यहाँ पर जिस तरह से मैनपुरी में डिंपल यारों को उतारा है, कैसे देखते हैं यहाँ पर, क्या कुछ लाभ यहाँ होगा, सहानुभूति बोर्ड मिलेगा या बीजेपी को भी रामपुर और आजमगढ़ की तरह जीत जाएगी? देखिए गौरव भाई जी, जहाँ तक मैनपुरी का सवाल है तो स्वर्गीय नेताजी की परंपरागत सीट रही और सभी को ये उम्मीद है जी, हमें भी ये उम्मीद है जी कि समाजवादी पार्टी की वहां जीत होगी। अच्छा, वो परंपरागत सीट जी उन परिवार के पास रहेगी। अच्छा ठीक, और जैसा कि देखने में आया है अभी तक, जब कभी जहां कहीं भी जी ऐसी घटनाओं के बाद जी जो भी चुनाव होते हैं जी, वहां पर थोड़ा सा लोगों का जुड़ाव जी उनके साथ रहता है जी, और वो वोट देते हैं और सदन में भेजने का काम करते हैं। ठीक, अब रही बात खतौली की जी, जो हमने पत्र लिखा तो वो पत्र जो हमने लिखा उसमें पत्र लिख करके हमने आगाह किया था। अच्छा चलो ठीक है, कि 27 तारीख को आजम खान जी को जी सजा घोषित हुई जी, और 28 को उनकी सदस्यता समाप्त हुई। ठीक है, कानून का तकाजा है, हम उसका सम्मान करते हैं जी। लेकिन जब 11 अक्टूबर को विक्रम सैनी जी की को सजा हुई तो आखिर कौन सा इंतजार किया जाता रहा और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आप पत्र का इंतजार कर रहे होंगे ना, पत्र आप वायरल करोगे। तो हमने ये माननीय अध्यक्ष महोदय को आगाह किया जी कि पक्ष और विपक्ष के लिए जी आपके पास न्याय में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात, उन्होंने पत्र का संज्ञान लिया चलिए और उस पर कार्रवाई की जी, और ये कार्रवाई पहले हो जाती तो शायद आप पत्र का जिक्र भी न करते। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अब वहां चुनाव होना है जी, और वो सीट हमारे खाते में है जी, समाजवादी पार्टी ने मिलनी भी चाहिए आपको में है भाई, मेहनत की है तो आपको वहां पर तो लाभ मिलना चाहिए। वहां हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के, जनता के बीच में जाकर के अपनी बात रखें और चुनाव जीते। चुनाव के सभी सब अपनी बात रखेंगे, पर फिलहाल जनता के मुद्दों के लिए कोई बात रखता नजर नहीं आता है। खैर, अब भारतीय संविधान और भारतीय व्यवस्था के हिसाब से जो हमारा लोकतंत्र चल रहा है, वो लोकतंत्र में केवल बातें होती है और मुद्दे तो खैर दूर की बात है। खैर हमेशा आमिर साहब जुड़े हुए। आमिर भाई, बड़े पत्रकार हैं आप, सारी चीज़ों को बड़े गौर से देखते हैं, क्या रहने वाला भाई गणित और यहाँ पर डिम्पल यादव को तारा है, क्या स्थिति रहेगी या बीजेपी यहाँ पर कुछ चमत्कार करके दिखाएगी? आमिर भाई बहुत शुक्रिया गौरव जी जी कि आपने इस चर्चा में मुझे शामिल किया जी। देखिए, दरअसल
मैंने इससे पहले भी अमन गिरी वाले प्रकरण पर डिबेट हुई थी आप ही के चैनल पे जी, और उस बहस में मैंने बहुत स्पष्ट कहा था कि 3367 जी, अक्सर सेकुलर पार्टियां इल्जाम लगाती हैं कि 33% वोट एक तरफा पड़ गया और 67% वोट बढ़ गया जिसके तहत जी हम नहीं जीत पाए जी और हम धाराशाही हो गए जी। लेकिन अभी 4 दिन पहले की बात है जी के अमन गिरी वाले चुनाव में 67 और 33 का फासला रहा जी, 33 वाला फिर जीत गया, 67 वाला फिर हार गया, जबकि 67 के पास 67% वोट था जी, उसके बाद भी नहीं जीत पाए। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी अपने को विपक्ष बड़ी विपक्ष का वादा दावा कर रही है कि हम मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, उसके बावजूद धाराशाही हो गई, तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अच्छा गौरव जी जी, बहुत स्पष्ट सी बात यह है। जहां तक मैनपुरी का चुनाव है, मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक बात कही, परंपरागत सीट थी वो माननीय मुलायम सिंह जी की जी, तो उस पर डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं जी। लेकिन अब देखना ये होगा गौरव जी, जी कि भारतीय जनता पार्टी वॉकओवर देती है डिंपल यादव को या मजबूत प्रत्याशी उतारती है, क्यों जैसी अभी एक चर्चा चल रही है कि डिंपल यादव के मुखालिफ अपर्णा यादव को लाया जाएगा, और अपर्णा यादव को लाने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है जी के डिंपल यादव को वॉक ओवर देना, बिल्कुल सही बात, क्योंकि प्राय देखा क्या गया है 2013 से अब तक स्पष्ट है कि अखिलेश यादव जी मुख्य रूप से मोदी जी की गोद में खेल रहे हैं। ये और बात सब है नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बात अच्छा। है देखिए, अब हमारा एनालिसिस है, हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना लगे, पसंद ना आए, लेकिन मुझे अपनी बात कहने का तो हक है ना। हम आज जिस नजरिए से देख रहे हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं अभी ये उपचुनाव आजमगढ़ का था जी और रामपुर का था जी। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लगे रहे जी, और जाहिर सी बात है जो मेहनत करेगा तो रिजल्ट उसको मिलना है जी, सही बात। तो वो आजमगढ़ भी जीत गए और रामपुर भी जीत गए जी। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्यूटर ट्यूटर खेलते रहे, यही कारण रहा कि बुरी तरह धराशायी हुए। अब ये उम्मीद करना कि हम घर बैठे चुनाव जीत जाएंगे या व्हाट्सएप से या फेसबुक से या ट्विटर से जीत जाएंगे तो ये असंभव है। देखिए संभव नहीं है जी। और इसी से दूसरे लोग जो साथी दल होते हैं उनका मनोबल गिरता भी है जी। भाई ऐसा तो नहीं कि सपा के साथ अभी भी कुछ साथी दल शामिल हैं, भले सुभाषपा को उन्होंने तलाक दे दिया हो या सुभाषपा ने तलाक दे दिया हो, ये बिल्कुल अलग है। अब सुभाषपा ने कंडे उतारा है, सुभाषपा कितने वोट काट पाएगी या जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, जीतने जा रहे हैं, बोला जीत जाएंगे हम, बोला जीत रहे हैं हम लोग। हाँ जाहिर सी बात है, उनका भी कहना ठीक है कि जब तक काउंटिंग ना हो जाए, मतगणना ना हो जाए, तब तक सारे प्रत्याशी जीतते रहते हैं जी, सही बात। उसके बाद एक प्रत्याशी जीतता है जी। अब बड़ा सवाल गौरव जी है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अच्छा। तो अभी मेरे ख्याल से इस पे अभी से चर्चा करना बेमौजू बात है, ये मौजू से अलग हटके हो गया है। जब तक भाजपा का प्रत्याशी घोषित ना हो जाए तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि कौन प्रत्याशी चुनाव जीतेगा कौन हारेगा। बाकी मुख्य भूमिका मुख्य विपक्ष समाजवादी पार्टी की है उत्तर प्रदेश में, इसको कोई नकार नहीं सकता है। अच्छा। आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी मैदान में नहीं है। अच्छा। कांग्रेस मैदान में नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल मैदान में नहीं है, तो ये मान के चला जाए कि 67% वोट आज भी सपा के पास है, जैसा कि ये सेकुलर दल दावा करते हैं कि 33% एक तरफा चला गया उनकी जीत हो गई और 67% बिखर गया। तो अब बिखरने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अच्छा। तो यही मैंने पिछली डिबेट में भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि अगर भाजपा जीतती है तो विपक्ष के लिए शर्मनाक और इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती है। लेकिन यह भी सच्चाई थी, मैंने कहा सहानुभूति अमन गिरी के साथ होगी, इसलिए कि अरविंद गिरी का आकस्मिक निधन हुआ था और उसके तहत अमन को वोट मिलना चाहिए था। यही सेम पोजीशन मैनपुरी में है कि माननीय मुलायम सिंह की ठीक है एज हो गई थी, ज़ईफ हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, तो जाहिर सी बात है 100 साल 500 साल तो कोई नहीं जीता है जी। तो मरना सबको ही है, हमको भी मरना है, मुलायम सिंह भी चले गए बेचारे जी। लेकिन सहानुभूति वोट डिंपल को मिलेगा। अच्छा। अब देखना यह कि भाजपा का प्रत्याशी कितना मजबूत आता है। अच्छा। अगर भाजपा वॉक ओवर देकर डिंपल को जिताती है तो ये एक अलग विषय होगा, पूजा पड़ेगा भाजपा वाले बताएंगे। हाँ, और नहीं तो भाजपा जिस तरीके से अन्य चुनाव उपचुनाव लड़ी है तो डिंपल का जीतना बहुत मुश्किल की बात है। ठीक है ठीक है। समर भाई, भाई आमिर भाई की बात अपने पास सुनी, दयाराम भाई की बात सुनी, तकी भाई की बात भी सुनी। तकी भाई बोल रहे थे आप लोग नौटंकी करते हैं,
सहानुभूति के नाम पे श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। अगर श्रद्धांजलि देना तो बागोबर दे दीजिए, देखिए बागोबर क्या आप लोग। श्रद्धांजलि देना एक अलग चीज है, उसको राजनीति से और सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए। किसी की कोई आदमी इस दुनिया को छोड़कर गया है और उसके ऊपर कहे कि साहब नहीं आप तो नौटंकी करने गए हैं, तो ये इनकी सोच हो सकती है, लेकिन अन्य दलों की और अन्य लोगों की ये सोच नहीं है। मुलायम सिंह जी एक बड़े नेता थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक उनका क्या, देश में भी सभी लोग उनकी इज्जत करते थे। तो मृत्यु पर राजनीतिक दल को छोड़ दिए, सभी लोग गए थे, उनकी उनको सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन ये गलत बात है, इस पर इनको क्षमा मांगनी चाहिए कि ये कितने बड़े नेता के ऊपर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात जो इन्होंने कही परिवारवाद, बीजेपी जी का इन्होंने नाम लिया कि ये राजनाथ जी के बेटे हैं, ये उनके बेटे हैं, ये टंडन जी के बेटे हैं, लेकिन उन बेटों की मेहनत नहीं देखी जो उन्होंने पार्टी में बूथ स्तर तक काम किया है, तब वो वहां तक पहुंचे, तब वो वहां तक पहुंचे। पंकज सिंह प्रदेश में मंत्री थे, प्रदेश के महामंत्री थे, बूथ स्तर तक उनके बेटे उन्होंने काम किया, उनके फादर थे, आगे बढ़ाया, मेहनत कर सकते थे, जैसा की क्या मेहनत थी, दूसरी चीज जैसा की क्या मेहनत थी, क्या जो आपने उपचुनाव में नतीजे देखे, हम जनता के बीच में रहते हैं और जनता के मुद्दों के साथ रहते हैं, उसके बाद हम चुनाव जीतते हैं। ये चुनाव है, ये सहानुभूति और संपत्ति का नहीं है। इसमें बड़े बड़े नेता हारे हैं, अटल जी भी इसी लखनऊ से हारे थे, ठीक है, और अटल जी इसी लखनऊ से चुनाव जीते थे और प्रधानमंत्री बने थे। तो चुनाव में आदमी व्यक्ति को नहीं देखता, देखता है कि कौन काम कर रहा है। आज विपक्ष क्या है, विपक्ष क्यों बाहर हो रहा है, इसलिए बाहर हो रहा है कि उन्होंने काम नहीं किए। अखिलेश यादव जी जब तक सत्ता में रहे तब तक सिवाय दंगों के इस प्रदेश में कुछ नहीं होता था। और लेकिन आम आदमी पार्टी के संघर्ष विपक्षी दलों का बिल्कुल एकदम जान सुखी जा रही है कि मुसलमान की भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों की बात क्यों कर रही है, उस पर इनको बहुत जल्दी आप देखेंगे इस चुनाव में। डिंपल यादव को जिस तरह कन्नौज में करारी हार हुई थी, उसी तरह डिंपल यादव को मैनपुरी में हार का सामना करना पड़ेगा। वहां पर यादववादी पार्टी का जोर नहीं चलेगा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई भी हो कमल पर मोहर लगेगी और भारतीय जनता पार्टी बहुमत भारतीय जनता पार्टी इसका सम्मान करती है, उसकी स्थिति आप देख लिए। इन्होंने गंगा को माता कहा, गंगा आज में सबसे ज्यादा गंदी है। इन्होंने गौ माता कहा, गौ माता जितनी सैकड़ों लाखों चप्पी से मर गई। अभी ये मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान कर रहे थे, वहां जा रहे सब लोग, आज कह रहे नहीं हम उनको हराएंगे। अरे आप एक व्यक्ति इतना महान अगर है, उसकी बहू चुनाव लड़ रही है, आप कह रहे यादव परिवार के अलावा कोई मिला नहीं, हम पूरा दम दिखाएंगे। अगर सम्मान कर रहे हैं, पार्टी चुनाव लड़ेगी, सम्मान का मतलब ये नहीं है कि हम बीजेपी दिखाती कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है। अरे आप लड़ना चाहते हैं
हो गया अरे हो गया समाजवादी के प्रवक्ता ठीक है हो गया और मेहमान भी है हो गया गौरव भाई यहाँ पे लड़ाई हो रही है तू मैं हो रही है कि मेरा अच्छा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की जो जनता है उसकी बात कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है भाई, तो मैं ये मेरा है ये मेरा है मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी की सरकार हुआ करती थी तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक भय का माहौल दहशत का माहौल हुआ करता था। अच्छा किसी भी थाने चौकी में चले जाओ एक फर्क की बात होती थी। फिर सपा पे आ गया भाई पे जी। मेरी सुनिए गौरव भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, कोई बीच का जो प्रजाकरण मैं चुप हो जाऊंगा। बोले बोले आप देखिए महंगाई चरम सीमा पे है। अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है जी? शिक्षा और बेरोजगारी की क्या व्यवस्था है जी? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की क्या व्यवस्था है? अच्छा जातिवार जनगणना नहीं हो पाई उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। अच्छा गाँव गरीब किसान मजदूरों के हालात इतने बदते बदतर हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं सब ये मेरा और अपने की बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में मैनपुरी की जो पांच थानों की बात आती है, समाजवादी सरकार में 75 जिलों में 1751 जो थाने हैं उन 51 थानों पे केवल विशेष वर्ग के लोगों की चयनित हुआ करती थी। अच्छा उसमें अगर ढूंढने जाओ पाल नहीं मिलेगा। अच्छा गडरिया नहीं मिलेगा। अच्छा और आपको जो है पार्क बंदी नहीं मिलेगा, बिहार नहीं मिलेगा, खंगार नहीं मिलेगा जी, बंजारा नहीं मिलेगा जी, और राजभर नहीं मिलेगा, चौहान नहीं मिलेगा। अच्छा। प्रजापति नहीं मिलेगा। अरे ढूंढने से खानों में नहीं मिलेगा। मुस्लिम समाज का भी नहीं मिलेगा। और मैनपुरी में जी जो मैंने गौरव भाई जो मैं स्वयं वहां गया हूँ जी, क्योंकि सावधान यात्रा के माध्यम से 3-4 दिन में वहां रहा जी 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 जी, उन विधानसभाओं में जिन गांव में मैं गया हूँ वाकई में जनता वहाँ बदलाव चाहती है। अच्छा ठीक है। वो बदलाव इसलिए मैं बता रहा हूँ वहाँ की जनता इनसे बहुत त्रस्त है। अच्छा ठीक है। इसलिए कि आज भी इनके विशेष जाति के लोगों की दबंगई वहाँ पे है। अच्छा है। अच्छा आप थाने में चले जाओ तो क्या नाम है, चाहे आप चले जाओ ब्लाकों में चले जाओ चौकी में चले जाओ, अच्छा हर जगह इनकी दबंगई है। अच्छा उस दबंगई से त्रस्त आके वहाँ की जनता ने जब हमारे आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर से कहा नेताजी आप अपना प्रत्याशी उतारिए, तब जाके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने रमाकांत कश्यप जी को मैनपुरी के उपचुनाव में उतारने का काम। अच्छा और हम बार बार ये कह रहे हैं कि जिन समाज के लोगों को वोट लेकर के तमाम पार्टियों ने उनको भुलाने का काम किया, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने उस समाज को जगा करके उनके बेटा को खड़ा करके उनको सम्मान देने का काम किया, उनका काउंटिंग कराने का काम करेगी।
इन जितनी भी पार्टियां हैं जिन्होंने इन पार्टियों को छलने का काम किया, इनको यार भाई मेरा सवाल रहेगा आपसे, मेरा सवाल रहेगा आपसे, आपने कहा कि ये दबंगई करते हैं, समझ लेता हूँ अभी, और इनकी इन खराब व्यवस्था है, ठीक व्यवस्था नहीं है, सारे पे ज्यादा बैठा लेते हैं, फिर आपने गठबंधन क्यों कर लिया था इनसे चुनाव में? बिल्कुल भूल गए थे क्या? गठबंधन नीतियों से होती है, बिल्कुल बिल्कुल गौरव भाई जी, कोई बीच में ना बोले, मैं इसका पूरा बिल्कुल जवाब, भूमर भाई जरा आपकी बात जी बोलिए, गौरव भाई सुनिए, देखिए जी आपको अगर कहीं जाना है तो उसके घर में घुस के ही तो समझ सकते हैं, बाहर थोड़ी समझ सकते हैं। सफाई करने गए थे क्या? समाजवादी सफाई करने गए थे क्या? जी सुनिए, सुन तो लीजिए गौरव भाई, सुन तो लीजिए, नहीं मैं छुपे हो जाता हूँ, सुन लो मेरी बात को, अगर किसी के घर की बात को जानना, अंदर क्या है बाहर क्या है, समाजवादी पार्टी बाहर क्या ढिंडोरा पीटती है, तो समाजवादी से हम लोग वाकिफ है, लेकिन अंदर जाकर के पता लगा, जब हम 2022 के चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव को आदरणीय ओम प्रकाश राजभर कहते रहे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे शामली से चाहे पश्चिमी उत्तर तमाम विधानसभाओं में आप प्रजापति को उतार दीजिए, कश्यप को उतार दीजिए, आप बंजारा को उतार दीजिए, बहलिया को उतार दीजिए, चौहान को उतार दीजिए, अरक को उतार दीजिए, अर्कमंत्री को उतार दीजिए, ये हाँ ना करते रहे, आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीत गया, मध्यांचल बीत गया, बुंदेलखंड उठ गया, और वो बीतने का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी धराशायी हुई है। जब हम पूर्वांचल में गए 2022 में, जब हम चुनाव लड़ रहे थे, हमको जो सीटें मिली थी उसमें ये सीटें जब क्लियर करा, सिंबल हमारा था लेकिन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के नेता जो थे समाजवादी पार्टी के थे, उनके संगठन के लोग थे, हमको इस तरह मतलब विमर्श किया गया जी, लेकिन हमने फिर भी गठबंधन धर्म निभाया जो है गौरव भाई, तलाक हो गया, समाजवादी के साथ मिल करके पूर्वांचल की तमाम सीटों पे जिताने का काम किया, खुद जीते जी। लेकिन ये चीज आप देखिए, यही चीजें है मैनपुरी में, आपको इतिहासों में दर्ज होगा गौरव भाई, ये तो समय आने दीजिए, चलिए जवाब ले लें, समय कम है, जवाब ले लें, जवाब ले लें, भवन भाई हाजिर है बहुत देर से, भवन भाई भाई यहाँ पर लड़ाई तो होनी थी, भाजपा और सपा की लड़ाई हो गई, भाजपा और आपकी, खैर सुभाषपा भी आपसे बहुत नाराज है भाई, सलाह देती है आप लोग मानते नहीं है, वो कह रहा है पता नहीं था, आप पता करने के लिए आपके पास गए थे वो लोग, पता चला आपको भी ये बात जी, बोलिए। चलिए इतना मैं इतना कहता चाहता हूँ, हमारे जो साथी हैं सुभाषपा के प्रवक्ता साथी है, इतना कहना चाहता हूँ, वो जाते रहते हैं, कभी भाजपा के साथ जाते रहते हैं, सपा के घर जाते रहे, कब किसके घर की सफाई करने, कब किसी की भेद लेने चले जाए, इनका कोई भरोसा नहीं, ये जाते रहते हैं, इनका आना जाना चलता रहता है, प्रदेश इनकी आने जाने की आदत को देखता रहता है, मैं केवल इनके विषय में इतना ही कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं आज के विषय में गंभीरता से कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे गौरव भाई टाइम देने का काम करें, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो मैनपुरी का जो चुनाव है वो मैनपुरी की जनता ने अपने हाथों में ले लिया है, और निश्चित तौर पे ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी से वहाँ की जनता लड़ेगी, क्योंकि जो माननीय नेता थे उनका पूरा एक शब्द नहीं बोलने दूंगा आपके बीच में, मैं नहीं बोला हूँ इसलिए एक शब्द नहीं बोलने दूंगा आपको, जब आप बोलते हैं मैं आपको ध्यान से सुनता हूँ भार्गव जी, बहुत सारी आपने डिबेट मेरे साथ करी है, और इसलिए जब मैं बोलूंगा मैं आपको बोलने नहीं दूंगा जी, बोले बोले मैं डिबेट छोड़ के चले जाऊंगा, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ भाई, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने देखा होगा मेरे अंदर बहुत सेंसिटिविटी है, मैं सारे जितने आपके पैनलिस्ट हैं उन सबको सुनता हूँ, ध्यान से सुनता हूँ, किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं करता हूँ, तो चाहे सुभाषपा का प्रवक्ता हो या भाजपा का प्रवक्ता बीच में बोलेगा मैं डिबेट छोड़ दूंगा, मैं बहुत गंभीरता से अपनी बात को कहना चाहता हूँ, गंभीरता से गौरव भाई आपके चैनल में मजबूती से बात को कहना चाहता हूँ, ये जो चुनाव होने जा रहा है वहाँ की जनता ने, मैनपुरी की जनता ने जो कि नेताजी का इतना सम्मान करती है, उन्होंने ये चुनाव को अपने हाथों में ले लिया है, और ये चुनाव जो है मैनपुरी का जनता लड़ रही है, आप देखिएगा जब परिणाम आ पाएगा कि नेताजी को श्रद्धांजलि स्वरूप वहाँ के लोग कितना उनका मान आदर करते थे, कितना उनको मानते थे, और जो उन्होंने जीवन अपना जीवन में जो लड़ाई लड़ी वहाँ के लोगों के लिए, और मैं बहुत सारे अब 27 साल का मेरा राजनीतिक जीवन में बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, लेकिन मुझे गर्व हुआ कि अपने हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के गृह क्षेत्र का जो विकास मैंने देखा, निश्चित तौर पर मुझे 27 साल के राजनीतिक जीवन में इतना विकास किसी मुख्यमंत्री के क्षेत्र में नहीं देखा, निश्चित तौर पर सैपाई के क्षेत्र की जनता उनको धन्यवाद भी करेगी वोटों के माध्यम से, और उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेगी, जब चुनाव परिणाम आएगा जितने हमारे पैनलिस्ट साथी हैं सबको बुलाएगा, और डिंपल यादव जी वहां पर इतिहास रचने जा रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से गंभीरता से कहना चाहता हूं, मैं भुवन भाई साहब से कहना चाहता हूं कि आप
इस इंप्रेशन में, मतलब ये कि आप चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, हार रहे हैं। जैसे आपने पिछली बार आजमगढ़ में भी यही सोच रहे थे आप, और उत्तर प्रदेश चुनाव में यही सोचते रह गए आप कि आपके यहाँ कुछ लोग आ गए तो आप जीत गए। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के में कमजोर है। अच्छा, और मुझे मुलायम सिंह यादव बहुत अच्छे से तत्परता के साथ लड़ते हुए नहीं दिखाई देते। अच्छा, तो विपक्ष की भूमिका के लिए कोई मजबूत लीडर चाहिए उत्तर प्रदेश में, जो बीजेपी से मोर्चा ले सके, टक्कर ले सके। आप लोग, अब आम आदमी पार्टी लड़ेगी आने टाइम में, आम आदमी पार्टी जो है एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी, क्योंकि लगातार लगातार अखिलेश यादव हार रहे हैं और लड़ नहीं पा रहे हैं, सड़कों पे दिख नहीं रहे हैं। अरे इनको तो सड़कों पे चाहिए, तो प्रत्याशी उतार दीजिए। आप उत्तर प्रदेश पार्टी आने वाले समय पहले भी कहा था आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सीने में चढ़ते घूमेगी, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेगी, जनता के सामने दिखाएगी। सेल्फी विद स्कूल अभियान चलाया आपने, सड़कों पे जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, आंदोलन करेंगे और बीजेपी के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करेंगे, जनता के सामने रखेंगे। आम आदमी पार्टी बीजेपी के डरने वाली नहीं है, चढ़ के रहेंगे, चढ़ के रहेंगे, चढ़ के राजनीति करेंगे, उनके सीने पे मुंह धरेंगे और डरते रहेंगे, इनको राजनीति से बाहर कर देंगे हम लोग। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी, हो गया, जाहिर करेंगे भैया। ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया। मैं ये कह रहा था सफर भाई पे कुछ बोला कि हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े साबरी भाई, मैं उनकी बातों से काफी हद तक सहमत हूँ। अच्छा, सहमत है, चलो ठीक। सहमत इसलिए हैं कि किसी भी चुनाव को गंभीरता से लिया जाना चाहिए जी, और चुनाव को चुनाव की तरीके से लड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात। हमारा ये प्रयास है जो हमारे साथी दल हैं उनके साथ मिलकर के जी, हम किसानों के मुद्दे, नौजवानों के मुद्दे जी, रोजगार का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, गन्ना किसानों का मुद्दा, पराली का मुद्दा, इन समस्त मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में पहुंचेंगे और जनता से ये प्रयास करेंगे कि वो हमको सदन पहुंचाएं। अच्छा, ताकि वहां हम उनकी बात रखें। अच्छा, और सरकार के साथ विपक्ष की सकारात्मक भूमिका अदा करते हुए। अभी सदन में है आप? हम सदन में हैं, लेकिन और मजबूत विपक्ष रहेगा। अच्छा, क्योंकि मजबूत विपक्ष सेफ्टी वाल है लोकतंत्र का। अच्छा, उसको रहना चाहिए। अच्छा, और हम सरकार से जवाब सवाल करते हैं। अच्छा, सड़क पर भी उतरते हैं। अच्छा, सदन में भी बात करते हैं, लगातार करते रहेंगे। और हम आज आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को विश्वास दिलाते हैं, प्रदेश की जनता। देखिए, आप उतरे हैं? देखिए, ऐसा है, आप उतरे हैं? मैं कह रहा हूं, देखिए, हमारा वो गठबंधन दल, हमारे हमारे गठबंधन के जो साथी हैं, बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी को के हिस्से में वो सीट है। हमारा उनके साथ गठबंधन, यादववादी पार्टी है, समाजवादी का हमारा गठबंधन है, यादववादी पार्टी। गठबंधन में वो सीट उनके पास है, खतौली से हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपको ये कहने की स्वतंत्रता है कि वो कौन सा दल है, कौन सी पार्टी है, लेकिन उसके पहले पहले हमको अपने अंतःकरण में भी विचार कर लेना चाहिए कि कहीं से हम भी तो जातिवादी राजनीति नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम भी तो कहीं से परिवारवादी राजनीति नहीं कर रहे हैं, जातिवादी, कहीं से हम भी तो धर्मवादी राजनीति नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये परिवारवादी,
परिवारवाद का बहुत लंबा चिट्ठा तकी भाई ने आपके सामने रखा, हमने भी जवाब दे दिया, आपने रखा, हमने भी जवाब दिया उसका। अगर वो परिवारवाद नहीं है तो यह भी परिवारवाद नहीं है। मेहनत करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप मेहनत करते हैं, आपके नेताओं के बच्चे, नेताओं के बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आपकी तरह ऐसा नहीं है। जो अन्य दलों में लोग हैं वो लोग मेहनत करते हैं, जैन सिंह जी मेहनत नहीं करते, मेहनत नहीं करते, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने कौन सी मेहनत धरातल पर की है कि जो उनको आप इतने बड़े दायित्व दे रहे हैं? उनके घर में जाए बुलाते हैं, फिर बताएंगे कि धरने तक काम किया। बिल्कुल, अगर आप बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। गोपाल जी से बात कराते हैं कि लेकिन वो कितना क्रिकेट के बारे में गंभीरता से जानते हैं, इसमें भी आप पार्टी के पदाधिकारी हमारे मंत्री बात परिवारवाद की, तो परिवारवाद जितना भारतीय जनता पार्टी में है उतना परिवारवाद किसी अन्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जी, हमारे राष्ट्रीय बेटा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लाठियां खाई है आपकी सरकार में। आप बताइए, लाठियां खाई है आप बताइए किसका बेटा है? कह रहे थे कि संघर्ष के आधार पर कोई भी बेटा राजनीति कर सकता है, लेकिन आपका ये जो दोहरा मापदंड है ये ठीक नहीं कि आपके परिवार आपके नेता का बेटा अगर संघर्ष करके राजनीति में आए तो ठीक है, लेकिन अगर विपक्ष के नेता का बेटा राजनीति करके राजनीति में आए तो आप कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो ये मापदंड आपका ठीक नहीं है। मापदंड का मूल्यांकन करिए। अगर आपका नेता संघर्ष करके आता है तो ठीक है, विपक्ष का नेता संघर्ष करके आता है तो भी उसको ठीक कहिए, ये तरीका ठीक नहीं है। हम आपकी सरकार में ही जयंत चौधरी जी को हाथरस वाली घटना में लाठियों से पीटा गया, क्या ये संघर्ष नहीं है? अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो क्या राजनीति उनको दान में मिली है? वो संघर्ष करते हैं, आज भी उनकी मीटिंगें चल रही हैं, हम लगातार किसानों के बीच में आंदोलन करते हैं, लगातार हम आपसे सवाल जवाब करते हैं, डॉक्टर मसूद को पार्टी से निकाल दिया, लगातार हम आपसे जवाब सवाल करते हैं और आपसे विपक्ष की भूमिका अदा करने का पूरा पूरा हमारा रहता है, आपसे जवाब सवाल होते हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप कर नहीं सकते, अगर हम नहीं कर सकते तो आप भी नहीं कर सकते। अच्छा। और आप कह रहे हैं कि भाई अगर संघर्ष के आधार पर हमारे यहाँ के नेता का कोई बेटा आता है तो वो ठीक है, तो अगर विपक्ष का कोई व्यक्ति संघर्ष के आधार पर आता है तो उसको भी आप ठीक मानिए। ये बात शहादत नहीं, आपके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं? राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ भारतीय जनता, हमारे यहाँ चुनाव के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ नहीं मिलता है, वो कोई विरासत में मिला है। चुनाव आयोग गए, उस चुनाव के आधार पर अगर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सदस्य बनते हैं पर आपको क्या आपत्ति है? आप मुस्लिम विरोधी हैं, आप आपने जिस तरीके से आजम खान जी का उत्पीड़न करने का प्रयास किया उसको हमने बेनकाब किया है, इसी से हमने बेनकाब किया और आपको उस पर जवाब देना पड़ा और कार्रवाई करनी पड़ी। गौरव भाई क्या हो गया? बोले बोले गौरव भाई, मैं कहना चाह रहा 30 सेकंड दीजिए मुझे, मैं कहना चाह रहा था समय कम समय कम ठीक है, दूसरी प्रतिनिधि थी वहाँ कोई नहीं पहुँच रहा। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जी के यहाँ सरकारी नेता पहुँच गए। अच्छा, आप इससे खुद आंकड़े लगाइए, मुलायम सिंह यादव का सुरवास हुआ था इससे सब लोग पहुंचे जी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिनिधि पे दूसरी ठीक है, हो गया आमिर भाई फाइनल कमेंट दीजिए, आमिर भाई फाइनल कमेंट दीजिए, ठीक है हो गया। आमिर भाई कुछ बोलोगे? आमिर भाई जल्दी बोलिए। देखिए गौरव जी, पहले तो हमारे भाजपा प्रवक्ता अपनी एक नॉलेज में इजाफा कर लें कि अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ चुनाव हारे, लखनऊ चुनाव बहुत तगड़ी है, आपने तो अपना आगरा से चुनाव हारे थे अटल बिहारी वाजपेयी, बलरामपुर से हारे थे, सुन लो यार, आज आप पत्रकार बन गए, खा खा में चीखते रहे दो भोंकते रहे दो, आप कहां के स्कॉलर थे, आप पत्रकार कैसे बन गए, आप रोज रोज नई डिग्री बदल लेते हैं भाई, किसी को अरे आप डिग्री बदल मरे भाई, मर्यादा मेरी मर्यादा, अभी तो आप टिप्पणी 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 स्कॉलर थे, अब आप पत्रकार हो गए, अगली डिबेट में क्या बनेंगे आप, भाजपा प्रवक्ता, अगली डिबेट में क्या बनेंगे, समाजवादी के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता बनेंगे आमिर भाई?
आप सब कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा केवल ये थी कि किस तरह से मैनपुरी का चुनाव लड़ा जाएगा और डिंपल यादव ने यहाँ पर अपना ताज प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी उतार दिया है। आने वाले समय में किस तरह से चुनाव होगा, किस तरह बीजेपी यहाँ प्रत्याशी उतारेगी और परिणाम क्या होगा, वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात तो स्पष्ट है कि चुनाव हर जगह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 24 का चुनाव होने वाला है और साथ ही साथ निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। यहाँ हर चुनाव 24 के चुनाव का सेमीफाइनल है। जो बेहतर करेगा परिणाम उसके पक्ष में आएगा। और सीधी सी बात है कि जो मेहनत करता नजर आएगा, धरातल संघर्ष करेगा, तभी परिवर्तन होगा। बदलाव केवल सोच से नहीं होता है, बदलाव के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और सपने अगर पूरा करना है तो उसके लिए आपको धरातल संघर्ष करना पड़ेगा, उठाने पड़ेंगे जनता के मुद्दे भी और करना होगा धरातली संघर्ष, तभी कुछ बेहतर होगा। नहीं तो जो परंपरा फिलहाल हम 2014 से देखते चले आ रहे हैं, वही परंपरा उत्तर प्रदेश में चलती रहेगी और यहाँ वादे भी होंगे और मुद्दे पीछे रह जाएंगे आम जनता के, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर केवल केवल राजनीति करना चाहता है तो केवल ट्वीट की। अगर वास्तव में बदलाव कुछ चाहिए है तो उसके लिए करने पड़ेगा धरातल पर संघर्ष, और तभी जनता जनार्दन देगी आपको जनाधार, और तभी होगा सबका बेड़ा पार। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ